गाइस, पृथ्वी कितना बड़ा है, इस पर कितना लोग रहते हैं, एक दिन में कितना लोग मरते हैं, पृथ्वी का वजन कितना है, पृथ्वी का व्यास कितना है, पृथ्वी नीला क्यों है, इन सभी का आपका सवाल इस वीडियो के अंत तक बना रहे, आपको सारे का सारे आंसर मिले। जैसे कि कोई पृथ्वी पर रहता है, इंसान, व्यक्ति, जानवर, कोई भी अगर व्यक्ति जीव जंतु रहता है, उसके अंदर क्या होना फैक्ट है। आप लोग कहेंगे रक्त खून, क्या आप दूसरे ग्रह पर रहेंगे तो आपको रक्त खून नहीं होगा? होगा। लेकिन जो पृथ्वी पर है वह सबके अंदर कार्बन यानी कि कार्बन अधिक मात्रा में अवेलेबल है, जो कि सबसे अधिक मनुष्य के कहा जाता है। जैसे कि आप लोग, हम लोग जानते हैं कि जो यानी कि मेघ आता है, जिसे देहाती भाषा में कहा जाता है कि मेघ, उस बादल जो गरजता है वहाँ एक दिन के अंतर्गत कितना गरजता है। जैसे कि कहा जाता है कि आज बादल गरजा है तो मेघ बरसेगा, लेकिन केवल एक जगह, आप जहाँ पर वहीं पर गरजा नहीं, पूरे वर्ल्ड में 45,000 बार एक दिन के अंतर्गत 45,000 बार बादल को गरज। अगर कोई मनुष्य इंसान को बिना सुरक्षा के स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में भेज दिया जा रहा है तो क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? वहाँ पर कोई दिक्कत आ सकता है? जी हाँ, इतना बड़ा दिक्कत है कि आप अपने ज़िंदगी से हाथ ही धो बैठेंगे। अगर बिना आप सूट के यानी कि सूट पहने हुए स्पेस में जा रहे हैं तो आप मात्र 2 मिनट के अंतर्गत में आपका मौत हो जाएगा। बस वर्ल्ड में जैसे पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा व्यक्ति है, जो कि कौन सा देश है जो कि अधिक मात्रा में धूलकण को फैला रहा है, जिसके कारण एक देश के गलती के कारण पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है उसका सजा। जी हाँ, उसका क्या नाम है देश का? चीन। चीन जो है अधिक फैक्ट्री, जिसके कारण वह प्रदूषण निकालता है और प्रदूषण उसे आप सेटेलाइट से भी देख सकते हैं, जिसके कारण पृथ्वी को बहुत नुकसान हो। अगर बात किया जाए, जैसे कि हम लोग पृथ्वी यानी कि अर्थ से छत पर, जैसे कि कोई छत ढाला हुआ है उस पर चढ़ते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप बहुत ऊंचे तक जाएंगे तो क्या दिक्कत का सामना करना पड़ेगा? आप अगर पृथ्वी से 12 मील यानी कि 19 किलोमीटर ऊंचा जाएंगे तो आपको मरने की संभावना अधिक बढ़ जाएगा। आप लोग कहेंगे एरोप्लेन क्यों नहीं मरता? क्योंकि उसमें लगाया हुआ रहता है सिस्टम नहीं मरने का, लेकिन उससे अगर बाहर जा रहे हैं एरोप्लेन से आप तुरंत। लेकिन जो पृथ्वी है, इतना बड़ा पृथ्वी वर्ल्ड, विश्व में अगर बात की जाए तो पृथ्वी पर कितने व्यक्ति जन्म लेते हैं और कितने व्यक्ति मरते हैं, एक दिन के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो पृथ्वी पर, पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए तो लगभग 2 लाख व्यक्ति जन्म ले लेते हैं, लेकिन मरते कितने हैं? 1 सेकेंड के अंतर्गत 2 व्यक्ति को मर ही जाना है। यह फैक्ट है, यह प्राकृतिक है। जितना बड़ा अगर पृथ्वी है उसमें कितने परसेंट पर मात्र 2-4 ही देशों ने पूरा कब्जा करके रखा हुआ है। वहाँ जो है 40% अगर पृथ्वी की 100% मात्रा हुआ, उसमें से 40% पर केवल ही केवल मात्र 4 देश ऐसे हैं जो कि पूरे 40% हिस्से को कैप्चर किए हैं। बाकी जो दुए हुए, जैसे बाकी जो 252 होता है, कभी 219 होता है, इसी करीब रहता है बाकी वस्तु को। जैसे कि पृथ्वी पर कोई वजन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता होगा, आप भी कह देंगे बढ़ता होगा, लेकिन कितना वजन बढ़ता है? केवल अगर मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य का जो वजन होता है यानी कि 77 लाख लोग प्रति साल अपना वजन यहाँ बढ़ा देते हैं। जन्म लिए, बड़े हुए, वजन बढ़ना ही है, यह तो फैक्ट है। जैसे वहीं से ही 77 लाख लोग प्रति साल का वजन बढ़ रहा है, जो कि इंसान के द्वारा बनाई गई वस्तु अंतरिक्ष में कितने घूम रहे हैं, ऐसे कि पृथ्वी के चारों तरफ कितने हैं जो मनुष्य बनाकर उसे छोड़ दिया है आकाश में और वह पूर्ण रूप से घूर्णन कर रहा है। आप लोग, हम लोग कहेंगे कि होगा वही 10-100 के करीब, लेकिन नहीं, वह जो है 22,000 के लगभग, जो कि यंत्र मनुष्य द्वारा बनाकर ऑर्बिट में यानी कि पूरे पर, जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर कितने बार भूकंप आया? आप लोग, हम लोग कहेंगे कि 1, 2 या 5, 10 बार आया होगा, लेकिन नहीं, आप जानकर चौंक जाएंगे कि पृथ्वी पर इतने बार भूकंप आ गए और आप लोगों को, हम लोगों को पता ही नहीं था। जी हाँ, 5 लाख, लगभग 5 लाख बार पृथ्वी पर भूकंप आ गया है, जो कि अधिकतर जो भूकंप होता है। लेकिन जो पृथ्वी है, इतना बड़ा पृथ्वी वर्ल्ड, विश्व में अगर बात की जाए तो पृथ्वी पर कितने व्यक्ति जन्म लेते हैं और कितने व्यक्ति मरते हैं,
एक दिन के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो पृथ्वी पर पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए तो लगभग 2 लाख व्यक्ति जन्म ले लेते हैं, लेकिन मरते कितने हैं? 1 सेकंड के अंतर्गत 2 व्यक्ति को मर ही जाना है, यह फैक्ट है, यह प्राकृतिक है। ऐसा ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले नए नए वीडियो प्रतिदिन पाने के लिए।